क्लास हाउ आर यू? एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. टिल वी हैव रीड द ऑल द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस ऑफ गिवन विद इन द लेसन. जो लेसन के अंदर उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं हम आज वो पढ़ेंगे. एंड ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर, हम आज इसकी ग्लॉसरी पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ डिड द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू? नबी करीम सल्लम ने कैसे मसला हल फरमाया, यानी कौन से वाला मसला था? नबी करीम सल्लम ने ये मसला, उन्होंने उस मसले के बारे में ज़िक्र किया जो हमने टेक्स्ट के दौरान पढ़ा था कि जब हजर अस्वद को लगाना था तो उसके हजर अस्वद मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, हजर अस्वद को जो हजरत सॉरी हजर अस्वद की सेटिंग के बारे में जो डिस्प्यूट था, जो कन्फ्लिक्ट था तमाम ट्राइबल्स के अंदर, तो उनका उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या मशवरा दिया था? तो नबी करीम सल्लम ने आंसर क्या है, द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू, उन्होंने इस मसले को हल कर दिया बाय सजेस्टिंग अ सूटेबल प्लान, यानी नहायत मौजू तजवीज़ पेश की. खैर उन्होंने इस तजवीज़ का ज़िक्र जो है वो आपकी बुक में तो नहीं किया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि नबी करीम सल्लम ने क्या तजवीज़ पेश की थी और कैसे इस मसले को हल किया था. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कुरैश थिंक द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? के कुरैश ने ये क्यों सोच लिया था कि नबी करीम सल्लम आप की हमायत करेंगे, यानी उनकी हमायत करेंगे? आपको इस क्वेश्चन का भी पता चल गया होगा कि ये जब बनू कुरैश की एक औरत थी जिस चोरी करते हुए पाई गई थी, तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो हैं वो लेके आए थे नबी करीम सल्लम के पास के आप सिफारिश लेके आए थे कि आप उस औरत को माफ़ कर दें. तो मतलब क्वेश्चन ये है कि कैसे उन्होंने सोच लिया कि नबी करीम सल्लम कुरैश की जो है वो हमायत करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? तो बेटा आंसर ये है कि एज आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि नबी करीम सल्लम का भी जो ताल्लुक़ था वो बनू कुरैश कबीले से था. तो जाहिर है जो जिस ख़ानदान से होता है उनको ये लगता है कि ये हमारा अपना है तो शायद हमारी फेवर में बात कर दे. एज द रसूल करीम सल्लम हिमसेल्फ ख़ुद बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? ऑफ़ द कुरैश. से दे थॉट दे दैट ही वुड फेवर दैम, तो इस वजह से वो सोचते थे कि शायद वो उनकी फेवर करेंगे, उनकी हमायत करेंगे. वाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वाई डिड, यानी जो नॉन मुस्लिम थे, जो डिसबिलीवर्स थे, काफिर थे, वो नबी करीम सल्लम पर क्यों एतमाद करते थे? द नॉन मुस्लिम ट्रस्टेड द रसूल करीम सल्लम फॉर वेल नोन फॉर डूइंग जस्टिस. नबी करीम सल्लम को द नॉन मुस्लिम ट्रस्टेड द रसूल करीम सल्लम, नॉन मुस्लिम जो थे डिसबिलीवर्स थे, वो नबी करीम सल्लम पर कुछ इस तरह से एतमाद करते थे. एज़ ही वॉज, क्योंकि नबी करीम सल्लम वेल नोन, बहुत मशहूर थे, बहुत जाने जाते थे फॉर डूइंग जस्टिस, इंसाफ के मामले में, इंसाफ करने के मामले में बहुत मशहूर थे. वट एडवाइस डिड द रसूल करीम सल्लम गिव टू हज़रत अली? हज़रत अली को नबी करीम सल्लम ने क्या मशवरा दिया था, क्या एडवाइस दी थी, क्या नसीहत की थी? तो नबी करीम सल्लम ने क्या मशवरा दिया था? ही एडवाइज्ड हज़रत अली को मशवरा दिया था नॉट टू डू एनी मैटर विदाउट हेयरिंग व्हाट द पार्टीज़, यानी नॉट टू डिसाइड, फैसला मत करना एनी मैटर किसी भी मामले में विदाउट हेयरिंग, बग़ैर सुने व्हाट द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ को, दोनों पार्टियों के बयान सुने बग़ैर, एंड नोइंग द ट्रुथ, और सच जाने बग़ैर, नॉट टू डिसाइडेड, फैसला मत करना. What does the word proclaimed means? Proclaimed का मतलब क्या है? The proclaimed means declare in a formal way or in open way, यानी खुले अंदाज में बताना, ऐलान फरमाना, अनाउंस्ड करना, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी खुला ऐलान करना. नेक्स्ट है, देखें हमारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, ग्लॉसरी है. इंसेस्टर्स, जैसे कि हमें पता है इंसेस्टर्स किसको बोलते हैं, अबाउजदाद को कहते हैं, हमारे जो गुजर चुके हुए होते हैं, फॉर फादर्स
यानी डिस्टेंट रिलेशन सामबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम, यानी फासले से रिलेशन होना, जैसे मेरा ताल्लुक हो मेरे परदादा से दादा बू से, तो यानी ये डिस्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद है फोर फादर्स, यानी हमारे अबाउजदाद प्रोडिक्सेसर जो हमसे पहले आने वाले हैं। डेस्टिट्यूट, मोहताज, मुफलिस विद नो मनी, और पोजेसिव, डिप्राइव्ड, पुअर, पेनलेस, जिसके पास कोई पैसा ना हो, को कहते हैं मुफलिस, मोहताज। इक्विटेबल, इक्विटेबल मुनसिफाना, फेयर, ऑनेस्ट, अपराइट, इवन हैंडेड, इवन हैंडेड मतलब मसावी रखना हर चीज़ को। फ्रेम, मुस्तकिल मिजाज, पुख्ता, डेफिनेट, रेजोल्यूट, डिटरमिंड, स्ट्रिक्ट, रिजॉल्व्ड। फॉर, दुश्मन और एनिमी, इन बैटल और वॉर, एनिमी, ओपोनेंट, मुखालिफ कोई हो, राइवल हो हमारा या एडवर्सरी हो, ठीक है। इंटरसीड, हमायत में बोलना, दरख्वास्त करना, टू स्पीक इन अ सपोर्ट ऑफ समबॉडी, किसी की हमायत में बोलना, इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े में, या प्लीड फॉर, दरख्वास्त करना, पिटिशन फॉर। मैग्नीट्यूड, अजमत, इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस अहमियत होना या इफेक्ट, ग्रेटनेस, फेम, मशहूर होना, नोबिलिटी, अजमत। ओ यानी कर्ज लेना, उधार लेना या कर्जदार होना। हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, किसी को पैसे देने हों किसी के। बी इन डेब्ट टू, कर्जदार होना, इन बी इन डेब्टेड टू, कर्जे में होना। रिवेंज, इंतकाम लेना, बदला लेना। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। समथिंग, कुछ ऐसा करना कि आप किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाओ, सजा दो कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट है सीख, तलाश करना, टू गेट, फाइंड, अटेन। ये थे आपके वर्ड सिनोनिम्स, नीचे फिर कुछ वर्ड सिनोनिम्स हैं वो देखें। मॉडल, नमूना, एग्जांपल, पैटर्न, सैंपल, डिज़ाइन। पाइटी यानी नेकी, पारसाई, परहेजगारी, जोहद। गुडलीनेस, होलीनेस, गुडनेस। इंटरनल, अवधि यानी एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली, एंडलेस। उसके बाद है अर्नड, हासिल करना, हासिल की, वॉन, ऑब्टेंड। फिर उसके बाद है सर्मन, सर्मन का मतलब होता है खुतबा देना। तो एड्रेसिंग यानी एड्रेस, खिताब करना, प्रीचिंग, तबलीग करना, टीचिंग, किसी को सिखाना, ज़ाहिर है खुतबे में यही सारा कुछ होता है। रिवेंज, इंतकाम लेना, बदला लेना, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद कमांडमेंट, हुक्म, और डिवाइन कमांड यानी अल्लाह ताला का हुक्म। अपहेल्ड या हुक्म रब्बी, अपहेल्ड बरकरार रखना, कायम रखना। टू टेक इन कंट्रोल यानी अपने कंट्रोल में लेना। सस्टेंड, अडोर्स्ड, मेंटेन्ड। उसके बाद डेस्टिट्यूट, ये आपने पीछे पढ़ा था। प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, गिव आउट। ट्रांसेंड यानी मावरा होना या कवर करना, अबूर करना। राइज अबव, गो बियॉन्ड, सरपास, एक्सेल यानी अबूर करना, कवर कर लेना उस चीज़ को जब हमने लास्ट वाले सेंटेंस में पढ़ा था, ठीक है। ये अभी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है, जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, बाकी एक्सरसाइज है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।